सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका कार यूनिवर्सिटी के एक नई वीडियो में। तो आज आपके सामने है सबकी मनपसंद टाटा हैरियर, और ये कोई नॉर्मल हैरियर नहीं है। जैसे कि आप देख रहे हो, ये इसका डार्क एडिशन है, टॉप एंड वेरिएंट है इसका फेयरलेस प्लस डार्क मैनुअल। और इसे हम आज कंपेयर करेंगे इनडायरेक्टली XUV 700 के A7L डीजल 6 सीटर मैनुअल के साथ। बात करें दोनों के प्राइसिंग की, तो हैरियर का इस डार्क एडिशन के टॉप एंड वेरियंट की एक शोरूम प्राइसिंग है 25,05,000 रुपए, और XUV 700 के A7L डीजल 6 सीटर मैनुअल की एक शोरूम प्राइसिंग है 24,20,000 रुपए। मतलब टाटा हैरियर थोड़ी महंगी है 85,000 से। तो चलिए देखते हैं 85,000 रुपए एक्स्ट्रा देना क्या वर्थ है टाटा हैरियर में, क्योंकि कुछ फीचर्स ऐसे मिल जाते हैं इसमें जो XUV 700 में आज तक अभी अपडेट के साथ नहीं मिलते। चलिए देखते हैं दोस्तों, XUV 700 में कौन से फीचर्स नहीं आते जो हमें टाटा हैरियर में देखने को मिलते हैं। एंड तक बने रहिए, आपको सारी इन्फॉर्मेशन, कंफ्यूजन भी आपका दूर होने वाला है। आपको कौन सी गाड़ी लेनी है, XUV 700 या फिर टाटा हैरियर। तो चलिए शुरू करते हैं इसके लुक्स से। तो लुक्स में तो कोई भी कमी नहीं है इस गाड़ी में, जिसे भी देखो उसे ये गाड़ी पसंद आने वाली है। इस तरह के यहाँ पर लुक्स टाटा लेके आई है। DRL की बात करें तो यहाँ पर पूरी यहाँ पर कनेक्टेड DRL देखने को मिल जाती है, जो देखने पे बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती है और इसके रोड प्रेजेंस को इंक्रीज करती है। तो ये रही इसकी चाबी, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। कुछ इस प्रकार की हमें चाबी मिलती है। यहाँ पर लॉक, अनलॉक, फॉलो मी हेडलैम्प एंड बूट ओपनिंग के लिए भी बटन दिया है। इलेक्ट्रॉनिक बूट मिलता है इसमें, वो भी हम आगे देखने वाले। फिलहाल इसका जो फॉलो मी हेडलैम्प का बटन है वो मैं यहाँ पर दबाता हूँ, तो आप देखिए हेडलाइट सेटअप किस तरह का मिल रहा है, कौन से लेवल का मिल रहा है। यहाँ पर पूरा LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प सेटअप मिल रहा है, और बहुत ज़्यादा पावरफुल है हेडलाइट सेटअप है। उसके नीचे ही फॉग लैम्प मिल जाता है, जो कि अगेन LED में है और वो भी पावरफुल है, कॉर्नरिंग लैम्प के साथ है। दूर से मैं इसे दिखाऊँ तो आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार का इसका रोड प्रेजेंस निकल के आने वाला है, और इसके फॉलो हेडलैम्प थोड़ी देर बाद ऑटोमेटिकली ऑफ भी हो जाते हैं। चलिए अगेन पास में चलकर मैं आपको कुछ फीचर्स यहाँ पर फ्रंट में दिए वो एक्सप्लेन करता हूँ। पहले तो ग्रिल देखिए, पूरी यहाँ पर ब्लैक में मिलती है, यहाँ पर कोई अलग पार्ट नहीं है, सारी ब्लैक कलर की ग्रिल मिलती है। नीचे भी आप बम्पर देखोगे तो टोटल ब्लैक में है, कोई सिल्वर या फिर कोई अदर कलर में कोई पार्ट नहीं दिया है। फ्रंट में पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं, जो कि यहाँ पर दो पार्किंग सेंसर्स है फ्रंट में। लोगों के नीचे ही यहाँ पर फ्रंट कैमरा की प्लेसिंग देखने को मिलती है। और क्या है फ्रंट में, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि ये रेडार मिल रहा है इसमें, Level 2 ADAS मिलता है, तो रेडार की प्लेसमेंट यहाँ पर की गई है, जिसकी वजह से इसके जो Level 2 के एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल के फीचर्स इनेबल हो जाते हैं। ऊपर देखिए, यहाँ पर भी आपको लेन की पास इसका कैमरा बेस Level ADAS का फीचर मिल जाता है, जो कि अगेन आप देख सकते हो। और यहाँ पर ना स्कूप भी दिया है, जो कि फंक्शनल है, मतलब आप देख सकते हो टायर को कूल रखने के लिए यहाँ से हवा जाती है। और सेफ्टी रेटिंग की बात करें तो अडल्ट सेफ्टी हो या फिर चाइल्ड सेफ्टी हो, दोनों में ही ये 5 स्टार लेके आई है। तो यहाँ पर ग्लोबल NCAP में ये रेटिंग्स इसने अचीव की है। सेफ्टी वाइज भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है इसमें। ग्राउंड क्लियरेंस 205 mm का मिलता है। लेंथ की बात करें तो 4605 mm इसकी लेंथ है। 1922 mm विड्थ मिल जाती है। यहाँ पर इसके टायर साइज की बात करें तो यहाँ पर ये भी अगेन बहुत बड़े साइज के यहाँ पर अलॉय व्हील्स यूज किए हैं। टायर साइज की बात करें तो यहाँ पर 245/55R19 19 इंच का यहाँ पर टायर प्रोफाइल यूज किया है, जो कि अगेन सेगमेंट की जो बाकी गाड़ी है उनसे बड़े साइज का है। मतलब XUV में भी 18 इंच का आता है लास्ट, उससे ऊपर भी कुछ ऑप्शन नहीं है, लेकिन यहाँ पर इसके फेसलिफ्ट के बाद इसमें 19 इंच का अलॉय व्हील देखने को मिलता है, जो कि अगेन इसकी रोड प्रेजेंस को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर रहा है। देखिए आप, ब्लैक कलर की गाड़ी और प्लस ब्लैक अलॉयज, खतरनाक ही लुक आ रहा है। और यहाँ पर देखिए इसके बॉडी क्लाइडिंग को, ये जो कि यहाँ से पतली है लेकिन अगेन नीचे जाते जाते ब्रॉड हो जाती है और पूरे गाड़ी को कवर करती है इस तरह से। पीछे भी आपको डिस्क ब्रेक दिया है, आगे भी डिस्क ब्रेक मिलते हैं, और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी इसमें आता है। तो साइड प्रोफाइल में ना आपको इसका ORM देखने को मिलेगा, जो कि अगेन बड़े साइज का ORM है। टर्न इंडिकेटर भी इस पर दिया गया है, और ये इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल एंड एडजस्टेबल ऑब्वियसली है। इस पर कैमरा दिखाई दे रहा होगा, तो जी हाँ, इसमें 360 डिग्री कैमरा मिलता है, और सेगमेंट में सबसे अच्छी कैमरा क्वालिटी इसी गाड़ी में आती है। फेंडर पे यहाँ पर #DarkEdition की बैजिंग देखने को मिलती है। नीचे यहाँ पर हैरियर की बैजिंग देखने को मिलती है। डोर पे हैरियर की बैजिंग मिल जाती है यहाँ पर। डोर हैंडल्स पे आपको रिक्वेस्ट सेंसर दिया है, को पैसेंजर साइड भी दिया है और ड्राइवर साइड भी दिया है। और ना डोर हैंडल्स इसके कोई क्रोम फिनिशिंग वगैरह कुछ नहीं दिए, क्योंकि ये डार्क एडिशन है तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर मेंटेन की जाती है टाटा की तरफ से। तो कई लोग ये इसी चीज़ के दीवाने हैं कि पूरी गाड़ी ही ब्लैक देते हैं टाटा, कोई भी छेड़खानी नहीं करते। मतलब आप रियर प्रोफाइल से भी देखोगे ना इसे, तो यहाँ पर भी आपको कोई निराशा वाली चीज़ दिखाई नहीं देने वाली, क्योंकि इसमें देखिए कनेक्टेड टेल लाइट्स भी मिल जाती है, जैसे कि मैं अभी ऑन करके दिखाता हूँ आपको। देखिए आप,
कुछ इस प्रकार की इसकी कनेक्टेड टेल लाइट्स है एलईडी में, और देखने पे बहुत ज़्यादा खूबसूरत यहाँ पर ये लगती है। बहुत ही ज़्यादा शार्प डिज़ाइन का यहाँ पर यूज़ किया है, तो इसे एक स्पोर्टी फील भी आता है पीछे से देखने पर। बम्पर पे यहाँ पर रिफ्लेक्टर के साथ आपको फॉगलैम भी दिया है रियर में, और इसका जो रियर स्किड प्लेट है ना वो ग्लॉसी ब्लैक में ही दिया है। रियर में भी आपको दो पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं, एक और ये दूसरा, हालांकि चार होने चाहिए थे यहाँ पर। और यहाँ पर टाटा का लोगो, उसके नीचे कैमरा की प्लेसिंग, कैमरा क्वालिटी मैं आपको आगे अंदर चल के दिखाने वाला हूँ, तो बने रहिए। यहाँ पर हैरियर की बैजिंग मिल जाती है, ऊपर आपको यहाँ पर वाइपर, डिफॉगर, वोकल फॉर लोकल की बैजिंग, स्पॉइलर, स्टॉप लैम्प, ये सारी चीज़ें वॉशर के साथ, ये सब सेटअप मिलने वाला है यहाँ पर। और ना इसका जो इलेक्ट्रिक टेलगेट है वो मैं आपको बूट ओपन करके दिखाता हूँ। तो इसका बूट मैंने अभी ओपन कर दिया है, तो ये इलेक्ट्रिक बूट के साथ आती है, तो आप देख सकते हो चाबी पे ही बटन मिल जाता है, इसकी सहायता से ओपन हो जाता है और बंद भी हो जाएगा। और इसके बूट की बात करें तो 444 लीटर का यहाँ पर बूट स्पेस कैपेसिटी है, जो अगेन सेगमेंट में सबसे ज़्यादा बूट स्पेस हम इसे बोल सकते हैं। यहाँ पर पार्सल ट्रे आ जाती है, फिलहाल ये निकाली हुई है, और इसके नीचे हम अगर देखेंगे तो यहाँ पर अगेन थोड़ी बहुत स्पेस मिल जाएगी टूल वगैरह बाकी सारी चीज़ें रखने के लिए। और ये रहा यहाँ पर सब वूफर, इसमें मिल जाता है JBL की तरफ से। इसका साउंड सेटअप बहुत खतरनाक है, वो भी हम आगे टेस्ट करने वाले हैं। इस तरफ हुक मिल जाता है, 2 kg तक का इसका वेट कैपेसिटी है, एक साइड ही इस तरह का हुक दिया है। लाइट यहाँ पर अंदर मिल जाती है, आप देख सकते हो क्लियरली अंदर से, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिखाई देने वाली है। चलिए इसका बूट अब बंद कर देते हैं। ऊपर देखिए यहाँ पर बटन दिया है, यहीं से भी, यहाँ से भी आप बंद कर सकते हो इसे। अगेन बंद कर देता हूँ मैं, और एक फीचर इसमें आता है, अगर आप यहाँ पर लेग जो है वो आप इसे स्वाइप करोगे तो ये इसका बूट ओपन हो जाएगा। तो ये देखिए कितना एक्यूरेसी के साथ ओपन हो जाता है, मतलब ज़्यादा एफर्ट्स नहीं करने पड़ते। अगर आपके हाथ में सामान भी है ना तो ये बूट इस तरह से ओपन हो जाएगा, सिर्फ आपको इसका आपका लेग जो है वो यहाँ पर स्वाइप करना है। देखिए यहाँ पर मैं अभी स्वाइप करूँगा, तो इस तरह से ये वर्क करता है। तो ये एक बहुत ज़्यादा प्रीमियम फीचर इसमें आ जाता है। अब साइड प्रोफाइल में ना बाकी सारी चीज़ें इस तरफ आपको दिखाना चाहूँगा, तो 50 लीटर का इसका फ्यूल टैंक कैपेसिटी है, सिर्फ डीजल में आती है, पेट्रोल का कोई ऑप्शन इसमें नहीं है, ना ही हाइब्रिड का ऑप्शन है और ना ही इलेक्ट्रिक का फिलहाल ऑप्शन है, लेकिन जल्द ही ये इलेक्ट्रिक ऑप्शन के साथ भी आने वाली है। इस साइड से भी आप क्लियरली देख सकते हो, वही सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिखाई देने वाली है इसमें। और इस ओवरऑल में भी एक फीचर है, यहाँ पर आपको जो है एक सेंसर दिया गया है, जो भी ब्लाइंड स्पॉट पे कोई गाड़ी होगी पीछे से ओवरटेक करते हुए, तो ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग सिस्टम भी इसमें आ जाता है, तो ये ब्लिंक करता है और आपको इंडिकेट करता है। डोर ओपन करेंगे तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो पूरा ही ब्लैक कलर का, जैसे कि मैंने बताया था आपको ये टाटा डार्क एडिशन है, तो यहाँ पर सारी चीज़ें आपको ब्लैक कलर की देखने को मिलती है। वैसे ही आपको यहाँ पर डोर जो है वो पूरा ब्लैक कलर में मिलता है। नीचे रिफ्लेक्टर दिया है, बॉटल होल्डर है, और अगेन यहाँ पर भी एक छोटी बॉटल आ जाएगी। स्पीकर मिल जाता है और चारों पावर विंडो के कंट्रोल से, ये अगेन सॉफ्ट टच में ये पैनल है इसका पूरा, और प्रीमियम फिनिशिंग दी है। यहाँ पर थोड़ा ग्लॉसी ब्लैक भी यूज़ किया है ताकि इसका आपको पूरा डल फील ना आ सके अंदर से। और हम इलेक्ट्रिकली एडजस्ट एंड फोल्ड करने के लिए ये रहा इसका नॉब। डोर ओपनर जो है वो डार्क क्रोम में यहाँ पर दिया है। सीट्स की बात करें तो ये यहाँ इसमें 7 एयरबैग्स मिल जाते हैं, नी एयरबैग भी यहाँ पर इसमें फेसलिफ्ट के बाद ऐड हुआ है, तो 7 एयरबैग्स के साथ ये गाड़ी आती है, और 5 स्टार रेटिंग स्कोर भी इसमें इसने किया है। सीट्स में क्या खासियत है, तो ये मेमोरी सीट्स मिल जाती है, 3 मेमोरी आप इसमें सेट कर सकते हो, एंड ये वेंटिलेटेड सीट भी है, जो कि अगेन सेगमेंट में इसे देखते हुए अभी ये फीचर ऐड हुआ है, जो पहले XUV में नहीं हुआ करता था। तो ये सीट आप 6-way इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हो, देखिए हाइट एडजस्ट हो रही है, रिक्लाइनर भी आप इसे एडजस्ट कर सकते हो, इसे पीछे कर देते हैं। और सिर्फ यही सीट नहीं, तो को पैसेंजर साइड भी आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल देखने को मिलती है। चलिए मैं अभी आपको दिखाता हूँ आगे, तो ये देखिए ये सीट भी आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल मिल जाती है, और प्लस वेंटिलेटेड भी है। तो अंदर बैठते हैं, तो यहाँ पर इसका इंटीरियर आप देख सकते हो पूरा ही ब्लैक कलर का इंटीरियर दिया है इसमें, पर ऐसा नहीं है कि क्रोम यूज नहीं किया है बिल्कुल भी, देखिए बहुत छोटा सा यहाँ पर क्रोम का यूज किया है, और ना ये बुरा नहीं लग रहा, तो ना के बराबर क्रोम यूज हुआ है, लेकिन जहाँ पर भी हुआ है ना उसे ये प्रीमियम लग्जरी फील जरूर दे रहा है। तो ये गाड़ी मैनुअल में है, इसका फियरलेस प्लस वेरिएंट है। इसमें अगर ऑटोमेटिक लोगे तो 1.5 से 2 लाख रुपए का आपको इसमें
डिफरेंस आएगा प्राइस में। फिलहाल ये 25 लाख 5,000 रुपये की एक शोरूम प्राइसिंग पे आती है, फियरलेस प्लस मैनुअल। इसका टॉप एंड वेरिएंट है ये डार्क एडिशन का। तो इसका इग्निशन ऑन करने के लिए जो बटन दिया है वो यहाँ पर है, पर इसे प्रेस करना पड़ेगा। तो देखिए, तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आप देख सकते हो, यहाँ पर भी स्क्रीन मिल जाती है 10 इंच की, जिसमें RPM मीटर दिया है, इस साइड स्पीडोमीटर दिया है, नीचे फ्यूल गेज है, इस साइड कूलेंट टेम्परेचर है। तो यहाँ पर सिटी मोड, स्पोर्ट मोड एंड इको मोड आता है, तो वो भी यहाँ पर शो कर रहा है। यहाँ पर किलोमीटर से डिस्टेंस टू एम्प्टी यहाँ पर दिया है, और सेंटर में आपको सर्विस रिमाइंडर, एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, वो सारी टैकोमीटर वाली चीज़ें सेंटर में दी है, और टाइमिंग भी ऊपर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आपको जो कंपास है वो भी इसमें मिलने वाला है, और टेम्परेचर यहाँ पर दिखाई दे रहा है, आउटसाइड टेम्परेचर 29 डिग्रीज का है अभी फिलहाल। दिखने पर कुछ इस तरह का यहाँ पर प्रीमियम फील देने वाला इंटीरियर इसमें मिल जाता है। स्टीयरिंग की बात करें हम स्पेशली, तो यहाँ पर इल्यूमिनेटेड लोगो दिया है टाटा ने फेसलिफ्ट के बाद, तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत ये लग रहा है। इस साइड जो है वो सारे म्यूजिक सिस्टम के रिलेटेड कंट्रोल्स मिल जाते हैं। 12.5 इंच की यहाँ पर टच स्क्रीन मिल जाती है हार्मन गार्डन की तरफ से, जिस एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले दोनों वायरलेस मिल जाते हैं। मूड लाइट का मतलब है इसमें एम्बियंट लाइट आती है, जो कि आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो, ब्लू कलर की है फिलहाल, तो हम इसे चेंज करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने पीली लाइट सेट कर दी है, तो ये धीरे धीरे ग्लो करेगी, मूड लाइट इसे बोलती है टाटा। तो यहाँ पर देखिए एयर क्वालिटी इंडेक्स भी दिया है, क्लाइमेट कंट्रोल, एलेक्सा, अमेजोन एलेक्सा इसमें इनबिल्ट मिल जाती है, JBL के मोड्स इसमें आप सिलेक्ट कर सकते हो, इमेज व्यूअर दिया है, एंड्रॉयड ऑटो यहाँ से और एप्पल कारप्ले दोनों ही यहाँ से आप सेटिंग्स में जाके कस्टमाइज कर सकते हो। देखिए ये रहा ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का फीचर, इसमें भी आपको जो AC के कंट्रोल्स है ना वो कंट्रोल करने के लिए मिलेंगे। एयर क्वालिटी इंडेक्स भी दिया है, मतलब एयर प्योरीफायर से आप इसकी जो एयर क्वालिटी है इसे भी कस्टमाइज कर सकते हो। थोड़े बहुत ही कलर ऑप्शंस मिलते हैं इसमें, लेकिन एम्बिएंट लाइट सिर्फ यहाँ पर नहीं है, तो डोर पे भी दी है, और ऊपर आप देखोगे तो ये पैनोरामिक सनरूफ मिलती है ना, तो यहाँ पर भी आप ये लाइट देख सकते हो। इसमें अभी ब्लू कर देता हूँ ताकि आपको क्लियरली दिखाई दे सके। देखिए ब्लू कर दी, तो ये यहाँ पर आपको दिखाई देने वाली है। स्टीयरिंग व्हील की एडजस्टमेंट यहाँ पर देखते हैं, तो ये मैन्युअली एडजस्ट करनी पड़ती है, और टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों ही एडजस्टमेंट यहाँ पर दी है। देखिए स्टीयरिंग व्हील कितना स्मूथ है, गाड़ी फिलहाल ऑन कर दी है मैंने, तो ये स्टीयरिंग व्हील देखिए, एक उंगली से मैं इसे कंट्रोल कर पा रहा हूँ। जो पहले हाइड्रोलिक स्टीयरिंग व्हील आता था ना, वो अब इसमें नहीं आता, मतलब फेसलिफ्ट के बाद इन्होंने स्टीयरिंग में भी इम्प्रूवमेंट की है, तो इलेक्ट्रॉनिक स्टीयरिंग व्हील मिलता है जिसे आप एक उंगली से भी कंट्रोल कर सकते हो इतनी बड़ी गाड़ी को। ऑटोमेटिक वाइपर्स इस तरफ मिल जाते हैं, ऑटोमेटिक हेडलैम्प का सेटअप यहाँ पर मिल जाता है, और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पर भी HD डिस्प्ले मिल जाता है, जो कि अगेन देखने पर बहुत खूबसूरत यहाँ पर ये लग रहा है। ऑन करने पर कुछ इस तरह का बन के आता है, और इसके जो मोड है ना वो कहाँ से आप चेंज कर पाओगे, तो इसमें कुछ और मोड भी आते हैं, जैसे कि रफ रोड मोड, रफ रोड, वेट रोड, और ये नॉर्मल मोड। इस तरह के 3 मोड्स इसमें मिल जाते हैं, और स्पोर्ट इको में डालने के लिए सीधे यहाँ पर डायरेक्टली बटन्स दिए हैं साइड में। देखिए इको में गाड़ी चली जाएगी, और ये स्पोर्ट मोड में डालने के लिए ये रहा बटन, तो ये स्पोर्ट मोड में यहाँ पर चली गई। तो स्पोर्ट मोड में ये बहुत खतरनाक पावर डिलीवरी देती है। कैमरा क्वालिटी चेकआउट करते हैं, इसकी कैमरा क्वालिटी कैसी है। आखिर कैमरा इसका चेक करने के लिए आपको ना यहाँ पर बटन दिखाई दे रहा होगा, देखिए ये टच करने पर इसका 360 डिग्री कैमरा ऑन हो जाता है, और कैमरे की क्वालिटी में आपको कोई भी यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं मिलता, क्योंकि इसमें 3D व्यू भी मिल जाता है, तो ऊपर से आप पूरी गाड़ी के चारों तरफ देख सकते हो। कितना प्यारा है यहाँ पर जो कैमरा क्वालिटी और डिस्प्ले क्वालिटी यूज़ की है ना, वो आप सोच सकते हो। गाड़ी के चारों तरफ से इसे देख सकते हो, कौन सी जगह कहाँ पर है, पीछे कितनी जगह गाड़ी के है, तो यहाँ से कैमरा एंगल आप चेंज भी इसमें कर सकते हो। 2D व्यू में आपको इस तरह से दिखाई देने वाला है, तो आगे का कैमरा 2D व्यू में ऑन रहता है, आगे गाड़ी है तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और इसे बंद करते हैं फिलहाल, और इसकी जो ऑडियो क्वालिटी है ना वो सुनते हैं, तो ऑडियो क्वालिटी सुन सकते हो आप। 5 स्पीकर, 4 ट्विटर और 1 सबवूफर आता है, इस तरह के टोटल 10 स्पीकर का साउंड सेटअप है। अभी सिर्फ 10 पर आवाज है, फिर भी आप देख सकते हो कितनी लाउड आवाज है इसकी। देखिए ऑडियो क्वालिटी सुन सकते हो।
जाते हैं सेगमेंट में सबसे बेस्ट ऑडियो क्वालिटी मैं इसे बोलूंगा, क्योंकि मैंने XUV 700 का जो सोनी का 3D साउंड है वो भी सुना है, XUV 700 वाली जो ऑडियो क्वालिटी ना वो इससे मैच नहीं करती है बिल्कुल भी, इससे लोअर ऑडियो क्वालिटी उसमें मिल जाती है। इसमें जो JBL का हार्मन गार्डन का म्यूजिक सिस्टम मिलता है ना वो कोई ना कहीं हैवी म्यूजिक सिस्टम है XUV के म्यूजिक सिस्टम से। ऊपर यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक आयर भी मिल जाता है जो कि XUV 700 में और स्कॉर्पियो N में जस्ट अभी ऐड हुआ है, जो पहले नहीं हुआ करता था। तो कंपटीशन को देखते हुए ये भी बहुत प्रैक्टिकल फीचर है, रात में बहुत काम आता है, और अगर आप 25-30 लाख रुपए खर्च कर रहे हो तो ये फीचर तो आपको मिलना ही चाहिए, जबकि ये 9-10 लाख रुपए वाली बलेनो में भी आता है। यहाँ पर जो टच स्क्रीन आपने देखी वो कमाल के फीडबैक के साथ, यहाँ पर कोई भी लैग वगैरह इसमें नहीं है। JBL मोड्स, एम्बिएंट लाइटिंग और सारी चीज़ें जो स्पीकर्स के रिलेटेड है और एयर प्योरीफायर के रिलेटेड है वो आप इसमें इजीली चेंज कर सकते हो। उसके नीचे ड्यूअल जोन ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल AC मिल जाता है जो कि टच पैनल के साथ है, और इसमें भी कोई लैग वगैरह नहीं है। मतलब मैं नीचे यहाँ पर देख सकते हो, आप टच कर रहा हो तो यहाँ पर कोई भी बटन प्रेस वगैरह नहीं हो रहा है, तो आपको ड्राइविंग करते वक्त ना ध्यान हटाने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली यहाँ पर टच वगैरह करोगे ना तो ईजिली ये हो जाता है, मतलब ऐसा नहीं है कि इसमें लैग है, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए डायरेक्टली ये हो रहा है ऑफ ऑन ऑफ। टेम्परेचर कम ज़्यादा करने के लिए सीधे यहाँ पर बटन सीधी है। गाड़ी लॉक करने के लिए ये भी बटन है सेंटर लॉकिंग के लिए। बूट ओपनिंग के लिए भी बटन है जो इलेक्ट्रिकली इसका बूट ओपन हो जाता है। हैजार्ड लाइट के लिए बटन दिया है। रियर डिफॉगर, फ्रंट डिफॉगर दोनों ही ऑन ऑफ करने के लिए अलग अलग बटन है। मैक्स AC का फीचर इसमें आता है, जिसमें जो ना गर्मियों में बहुत काम आता है। और देखिए मैं अभी इसे प्रेस करूंगा तो क्या क्या चीज़ें यहाँ पर होंगी, तो गाड़ी सेंस करेगी कि गाड़ी का टेम्परेचर अंदर कितना है, गर्मी कितनी है अंदर, उसके हिसाब से यहाँ पर मैक्स AC कर दिया है। कई बार क्या होता है ना, बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है ना, फिलहाल तो आप बाहर एनवायरमेंट देख सकते हो किस तरह का है, तो यहाँ पर इसने सनरूफ नहीं खोली या फिर ड्राइवर साइड विंडो भी नहीं खोली, तो ये मैक्स फीचर इस तरह से काम करता है कि ज़्यादा गर्मी होने पर ये विंडो रोल डाउन कर देता है या फिर ऊपर सनरूफ भी ओपन कर देता है कई बार। उसके नीचे ना आपको ये मोड चेंज करने का नॉब देखने को मिलता है, जो कि बहुत ज़्यादा यहाँ पर प्रीमियम फिनिशिंग के साथ है। वायरलेस चार्जिंग पैड भी यहाँ पर मिल जाता है, वायरलेस चार्जर है इसमें, USB आउटलेट दिया है, और यहाँ पर 45 वाट का टाइप सी आउटलेट दिया है जो कि फास्ट चार्जिंग कर देगा आपके फ़ोन को। 6-speed यहाँ पर मैनुअल गियर बॉक्स मिलता है। रिवर्स डालने के लिए आपको ये प्रेस करके यहाँ पर इस तरह से रिवर्स लगाना पड़ेगा। इसमें ऑटोमेटिक लोगे तो 1.5 से 2 लाख रुपए का आपको प्राइस डिफरेंस आएगा। ऑटो होल्ड फीचर के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक मिल जाता है, ये भी बहुत काम आने वाला फीचर है। 3 कप होल्डर यहाँ पर मिल जाते हैं। इसका हैंड रेस्ट देखिए बड़े साइज का ब्रॉड है और ये सॉफ्ट टच में है। इसके अंदर भी प्रैक्टिकलिटी के मामले में नहीं, इस गाड़ी को कोई बीट नहीं कर सकता। तो अंदर खोलते ही आप देखोगे यहाँ पर 12 वोल्ट का सॉकेट है, USB A आउटलेट है जो कि 2.4 एम्पियर का है, एंड यहाँ पर 5 वोल्ट 3 एम्पियर का भी टाइप सी आउटलेट दिया है, और ये ना कूल्ड है। ये देखिए कूलिंग इसकी यहाँ से एडजस्ट आप इजीली कर सकते हो, इसे बंद करते हैं, और ये एडजस्टेबल नहीं है, फिक्स रहने वाला है। डैशबोर्ड पे यहाँ पर कोई चीज़ आपको अदर कलर में देखने को नहीं मिलती है, यहाँ पर मैट ब्लैक का पूरा ऊपर पार्ट मिलता है। उसके नीचे यहाँ पर ये 3D में नहीं है, देखने पर लगता है 3D है कि नहीं, लेकिन यहाँ पर ये टेक्सचर यूज़ किया है, ब्लैक कलर का मटेरियल है। ये ग्लॉसी वाला ये पार्ट है, उसके नीचे ना सॉफ्ट टच जरूर मिल रहा है आपको, आप देख सकते हो ब्लू कलर की स्टिचिंग है, और ये सॉफ्ट टच का ये पूरा पैनल मिल रहा है। ग्लो बॉक्स की बात करें, सबसे अच्छा ग्लो बॉक्स टाटा देता है, तो इसमें देखिए आपको टैबलेट और लैपटॉप ट्रे मिल जाती है, ऊपर नीचे भी अच्छा खासा डीप स्टोरेज है जिसके अंदर डॉक्यूमेंट्स रखे गए हैं, और ये कूल्ड ग्लो बॉक्स है, और लाइट भी इसके अंदर दी है, लाइट्स पेन रखने के लिए देखिए यहाँ पर भी प्रैक्टिकल फीचर दिया है। इसे बंद करते हैं और अब ना पीछे की तरफ चल के आपको बाकी सारे फीचर्स दिखाते हैं। उससे पहले ऊपर देखिए इस साइड कुछ नहीं मिलता, टिकट होल्डर भी नहीं है। दूसरी साइड आपको लाइट के साथ मिरर मिल जाता है, डोर हैंडल इस तरफ नहीं है, दूसरी साइड आपको मिलेगा, और पीछे हुक के साथ डोर हैंडल है। चलिए अब बंद करते हैं इसे और पीछे चलते हैं। जैसे आप इसका इग्निशन और ये बटन प्रेस करके ऑफ करोगे ना, तो गाड़ी खुद ब खुद ऑन हो जाएगी, और ये सीट नीचे चली गई है फिलहाल, तो ये भी एक फीचर बहुत अच्छा है इसमें। जैसे इसे ऑफ करोगे तो ये सीट नीचे चली गई, गाड़ी अनलॉक हो गई, और ये ना वेलकम फीचर के साथ आती है सीट। जैसे ही आप इसमें बैठोगे तो ये आगे खुद ब खुद चली जाएगी। और हैशटैग डार्क की बैजिंग इस पर भी मिलेगी, नेवी ब्लू कलर की यहाँ पर स्टिचिंग मिल रही है गाड़ी में। अब चलिए पीछे की तरफ चलते हैं। पीछे यहाँ पर कर्टन मिल जाता है आपको दोनों साइड, और पीछे वाला डोर भी यहाँ पर देखिए, बारिश शुरू हो गई है यहाँ पर। सॉफ्ट टच में लेदर का पार्ट मिलता है, पावर विंडो का कंट्रोल है, डोर ओपनर है, नीचे बॉटल होल्डर है, और थोड़ा बहुत स्पेस यहाँ पर भी दिया है। स्पीकर भी यहाँ पर मिल जाता है, और ट्विटर भी यहाँ पर इस डोर में मिल जाता है। ये सीट मैंने मेरे हिसाब से एडजस्ट किए। चलिए बैठते हैं और आपको स्पेस दिखाते हैं इसमें।
पीछे हेडरेस्ट देखिए, यहाँ पर भी अलग आपको दिया है, मतलब डार्क एडिशन में ये आपको फीचर मिलने वाला है। तो यहाँ पर जो हेडरेस्ट है ना, वो यहाँ पर आपको टाटा इस वेरिएंट में और इसका जो सफारी वाला सिक्स सीटर वेरिएंट लोगे ना, तो आपको ये फीचर मिलने वाला है। तो रियर एसी वेंट साइड में आपको बी पिलर में देखने को मिलते हैं, जो कि अगेन एक बहुत अच्छा फीचर है। सेंटर में होते तो कहीं ना कहीं थोड़ा दूर हो जाता है और यहाँ तक हवा आने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन ये सीधा यहाँ पर दिए, इस साइड जो भी बैठेगा ना उसको सीधा ही हवा डायरेक्टली मिलेगी, बहुत जल्दी है, पीछे भी कूल कर देगी गाड़ी। तो दोनों साइड मिल जाता है ये, ऊपर पैनोरमिक सनरूफ है, तो उसके बटन यहाँ पर आगे मिल जाते हैं, जो कि अगेन मैं यहाँ पर आपको दिखा लूँ, वन क्लिक में ये ओपन हो जाएगी। कितनी ज़्यादा ये ओपन हो जाती है वो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर, और बारिश भी फिलहाल आ रही है तो ऑटोमेटिकली ये ऑफ हो जाएगी। तो इस तरह से है, तो ये वन क्लिक का सिस्टम है सारा। कर्टन भी आपको कुछ हाथ से बंद करने की ज़रूरत नहीं है, ये बंद हो जाता है। इस साइड आपको हुक के साथ हैंडल मिल जाता है और लाइट भी इंडिविजुअल वाइट कलर की LEDs यूज़ की है, जो कि पावरफुल है बहुत ज़्यादा। देखिए सीट्स की कंफर्ट की बात करें तो यहाँ पर दो हेडरेस मिल जाते हैं, तीसरे हेडरेस की यहाँ पर कमी है इसमें, बाकी कोई भी कमी नहीं है गाड़ी में, सिर्फ तीसरा हेडरेस यहाँ पर होना चाहिए था। और यहाँ पर मिलता है इसमें हैंडरेस, जो इसकी जो क्वालिटी है ना थोड़ी सी यहाँ पर देखिए, फिट एंड फिनिश की क्वालिटी हर वक्त रहती है, थोड़ी बहुत पैनल गैप्स वगैरह होते रहते हैं, लेकिन आपको जब गाड़ी PDI करने को मिलती है तब आपको पूरी अच्छी तरह से चेक करके लेनी है टाटा की तरफ से। दो कप होल्डर्स यहाँ पर सेंटर में दिए हैं और हैंडरेस्ट भी बड़े साइज का है, और अगेन अच्छी खासी पोजिशनिंग पर यह सेट किया है, ज़्यादा ऊपर नहीं है, ज़्यादा नीचे भी नहीं है। 3 पॉइंट सीट बेल्ट मिल जाते हैं, चाहे अगर कोई पीछे बैठा हो या फिर नहीं बैठा हो, आपको इस तरह के ये सीट बेल्ट लगा के ही रखने पड़ेंगे, इसमें लोड सेंसर देना चाहिए था। ये हेडरेस अगेन बहुत अच्छे कंफर्ट के साथ है, यहाँ पर कोई चीज़ की कमी नहीं है इसमें, मतलब आप जब आप इसमें लॉन्ग जर्नीज करोगे ना तब आपको इस जो हेडरेस्ट है उनकी अहमियत समझ आएगी। एयरबैग्स पीछे भी मिल जाते हैं और बूट आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हो, अगर पार्सल ट्रे हटा दिए तो, बाकी पार्सल ट्रे होती है तो आप इसे एक्सेस नहीं कर पाओगे। ये सीट ना 60-40 स्प्लिट हो जाती है, तो अगेन आप स्टोरेज यहाँ पर भी इंक्रीज कर सकते हो। कर्टन्स इसमें मिल जाते हैं डोर में, सेंटर में यहाँ पर आर्मरेस्ट के नीचे ही आपको मोबाइल रखने के लिए जगह दी गई है, और मोबाइल रखोगे तो चार्ज भी तो करोगे ना, तो चार्ज करने के लिए देखिए टाइप ए आउटलेट है अगेन और टाइप सी आउटलेट है, जो कि 3 एम्पियर के सपोर्ट के साथ है, दोनों ही फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करते हैं। आगे भी LED लाइट्स दी है, पावरफुल है ये भी। स्पेस देख सकते हो स्पेस कितना मिल रहा है मुझे यहाँ पर, तो अगेन अच्छा खासा स्पेस यहाँ पर लेग रूम में मुझे मिल रहा है। देखिए स्पेस की कोई कमी नहीं है, और आगे के सीट के पीछे भी पॉकेट है, थोड़े छोटे साइज़ के पॉकेट है, यहाँ पर बॉटल वगैरह नहीं रख सकते, लेकिन मोबाइल वॉलेट वगैरह आप इजीली यहाँ पर एक्सेस कर सकते हो, रख सकते हो। नीचे भी मैं पैर रख पा रहा हूँ आगे के सीट के नीचे, वो भी यहाँ पर आप देख सकते हो, और ना ये हम थोड़ा सा यहाँ पर ज़्यादा बड़ा है बाकी गाड़ियों से, तो तीसरे बंदे को तो तकलीफ नहीं होगी, साइड में इस तरह से पैर रखेंगे तो ईजिली वो भी यहाँ पर कंफर्टेबल फील कर पाएंगे। और हैंडरेस्ट का ये जो सेटअप है ना, ये भी सॉफ्ट टच में है, तो तीसरे बंदे को पीठ पे भी कोई इशू नहीं आएगा। अब चलिए बोनट ओपन करते हैं और आपको इंजन दिखाते हैं इसका, इस बीस्ट का। तो बोनट ओपन करने के लिए यहाँ पर दिया है लीवर, तो यहाँ पर मिलता है आपको क्रायोटेक 2 लीटर टर्बोचार्ज डीजल इंजन, जो प्रोड्यूस करता है 168 BHP और टॉर्क आपको मिलता है 350 Nm का। तो सोच सकते हो आप कितना ज़्यादा यहाँ पर टॉर्क इंजन है, पावरफुल इंजन मिल जाता है। और पैकेजिंग देख सकते हो अच्छी खासी पैकेजिंग है, यहाँ पर कोई गैप वगैरह नहीं है, सारी चीज़ें यहाँ पर वेल मेंटेन की गई है, और फियाट की तरफ से आने वाला ये इंजन होता है, और यही इंजन हमें MG Hector और जीप कंपास, जीप मेरिडियन इस तरह की गाड़ियों में भी सेम इंजन मिलता है सेम पावर के साथ। तो रिफाइनमेंट की कोई यहाँ पर मतलब आपको डाउट नहीं है रिफाइनमेंट के मामले में भी, और 168 BHP प्रोड्यूस करता है, तो पावर की भी यहाँ पर कोई कमी महसूस नहीं होने वाली है, स्पेशली आप इसका स्पोर्ट मोड अगर लगाओगे तो। माइलेज की बात करें तो ये माइलेज आपको ऑन पेपर तो ये 16 की एवरेज ये क्लेम करती है, लेकिन सिटी में आपको 10-11 की एवरेज आपको सिटी में देने वाली है, और अगर आप इसे हाईवे पे चलाओगे तो हाईवे पे आपको 16-17 की एवरेज हाईवे पे आपको ज़रूर निकाल के देने वाली है। आपको कुछ भी चीज़ का डाउट हो मैं तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। बाकी इसकी और भी वीडियोस मैंने बनाई है, हैरियर के बाकी वेरिएंट्स के भी वीडियो मैंने डाली है, तो आप मेरा चैनल चेकआउट कर सकते हो और इसकी बाकी वीडियोस भी आप इजीली देख सकते हो। ऊपर हम देखेंगे तो यहाँ पर रूफ रेल्स मिल जाते हैं, पैनोरमिक सनरूफ है, और यहाँ पर शार्क फिन एंटेना भी इसमें मिल जाता है, जो कि अगेन ब्लैक कलर का है।
तो आपको गाड़ी कैसे लगी, वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून, टेक केयर एंड बाय।